एक तोता कई महीने से ही पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था और एक दिन उसे सफलता मिल भी गई और पिंजरे से बाहर निकल गया। तोता सीधे जंगल की तरफ उड़ा और जंगल के वातावरण को देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वहाँ पर उसे कहीं तरह के पके फल खाने को मिलने लगे और अब वह पूरी तरह से आज़ाद था। जंगल में घूमते घूमते तोते को एक हाथी दिखा। हाथी अभी बच्चा था और पेड़ के नीचे सो रहा था। हाथी को सोता देख तोते के मन में नटखट विचार आने लगे और हाथी को परेशान करके जगाने लग गया। कभी तोता हाथी के सिर पर बैठकर चोंच मारता तो कभी हाथी के पीठ पर बैठकर चोंच मार मार कर उसे जगाने की कोशिश करता। आखिर हाथी जागा और हाथी के जागते ही तोता बहुत फुर्ती के साथ उड़कर पेड़ की डाल पर बैठकर हंसने लगा। हाथी ने तोते से सवाल किया, आखिर क्या बात है, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तोते ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं दोस्त, बस मजाक कर रहा था। यह सुनकर हाथी दोबारा सो गया। हाथी को फिर से सोता हुआ देखकर तोता वापस नीचे उतरा और फिर से हाथी को परेशान करने लगा। ऐसे करते जब तोते ने बार बार हाथी को परेशान किया तो हाथी वहाँ से उठकर दूसरी जगह चला गया। लेकिन तोते ने फिर से हाथी का पीछा किया और उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। हाथी ने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करके इस तोते के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा और यह सोचकर वह एक तालाब में जाकर बैठ गया, लेकिन अपने सिर को पानी से ऊपर रखा। तोते को लगा कि हाथी उससे डर कर पानी में छुपने की कोशिश कर रहा है और फिर तोते ने हाथी पर सिर पर बैठ कर उसे चोंच मारने लगा। लेकिन हाथी तोते को सबक सिखाने के लिए पहले से ही अपने सूंड में पानी भरकर रखे हुए था और उसने तुरंत तोते के ऊपर अपने सूंड के पानी को उड़ेल दिया। अब तोता तालाब में बहने लगा और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाने लगा। हाथी को उसके ऊपर दया आ गई और हाथी ने तोते को पानी से बाहर निकाल लिया। तोता हाथी से माफ़ी मांग रहा क्योंकि उसे बड़ों और छोटों के बीच का अंतर समझ में आ चुका था।